बीजेपी के पूर्व सांसद एवं पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद मिश्रा की 13वीं संस्कार में पूर्व डिप्टी सीएम, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, सांसद, विधायक सहित विभिन्न दलों के नेता और पत्रकार शामिल हुए। सीतापुर के नगर हरगांव में मोहल्ला जोशी टोला स्थित आवास पर राजनीतिक नेताओं सहित क्षेत्र के लोगों ने स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद मिश्रा की 13वीं संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां मौजूद हर शख्स की जुबान पर चर्चा थी तो सिर्फ पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्र के शुचिता और बीजेपी पार्टी के प्रति निष्ठा व समर्पण की। हर कोई उनकी ईमानदारी और उनके द्वारा पार्टी के प्रति दिए गए योगदान को याद कर रहा था। 13वीं संस्कार में शामिल होने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए क्या कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। माननीय जनार्दन मिश्र जी, सीतापुर में भाजपा के लिए भीष्म पितामह के तरह एक मॉडल थे, यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श थे। पूरे जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण, ये उनकी विशेषता थी। और जिस प्रकार से जनार्दन जी ने एक निष्कलंक जीवन व्यतीत किया है, वो बहुतों के लिए उदाहरण है। जनार्दन मिश्र जी का सम्मान केवल सीतापुर तक सीमित नहीं था, उनको मानने वाले आसपास के तमाम जिलों में लोग थे। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरी आत्मीयता, जब मैं युवा मोर्चे का, भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना था, 92 से लेके मेरा उनका संपर्क आया था और लगातार वो मेरे संपर्क में रहते थे। पार्टी की हर पल चिंता करना, बीमार अवस्था में भी पार्टी कहाँ से कैसे ठीक हो सकती है, जीतने के लिए कहाँ कमी है, ये उनका आकलन बड़ा सटीक हुआ करता था। और वो जिसके बारे में अपनी राय दे देते थे, उनका विरोधी कोई नहीं था। उनकी आलोचना कोई अगर करता रहा और वो अच्छा व्यक्ति है तो भी वो उसका पक्ष बड़े बारीकी से रखते थे। और मैं समझता हूँ कि जनार्दन जी सशरीर नहीं उपस्थित है, लेकिन उनकी यादें पार्टी के कार्यकर्ता संजो के रखेंगे। और बीजेपी की विशेषता ही उसका पुराना कार्यकर्ता है, जो कभी मन ना परिवर्तित करता है, ना दल परिवर्तित करता है। उसका आस्था चुनाव चिन्ह के साथ करती है। आदरणीय जनार्दन जी का ये डायलॉग, या ये कहें ये वक्तव्य हुआ करता था लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ कि एक लंबी आयु उन्होंने प्राप्त करी, हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। हम सब लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी तहरीर के अवसर पर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श स्थापित कर निसंकलंक जीवन जीने वाले पूर्व सांसद जनार्दन प्रसाद मिश्रा की 13वीं संस्कार में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, धौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा, राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, विधायक सदर लखीमपुर योगेश वर्मा, धौरारा विधायक विनोद अवस्थी, पूर्व MLC भरत त्रिपाठी, पूर्व MLC राकेश सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी भारत दीक्षित, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंगौर, वरिष्ठ पत्रकार नरेश मिश्रा, राहुल मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष सीतापुर अचिन मेहरोत्रा, लखीमपुर भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, अशोक तिवारी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सीतापुर अजय गुप्ता, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंदु सिंह, राजेश्वर रस्तोगी, नीरज वर्मा झल्लर, जिला महामंत्री राजेश शुक्ला, विश्राम सागर राठौर, विष्णु मौर्य, रमाकांत मिश्र, उमाकांत मिश्र, मुनेन्द्र अवस्थी, दिनेश शर्मा, वीरेंद्र पुरी, राहुल जायसवाल, पूनम मिश्रा, प्रमोद वर्मा, वीरेंद्र पुरी, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खां, डॉक्टर राम नरेश मिश्रा, पूर्व प्रमुख प्रेम सुंदर अवस्थी, पूर्व प्रमुख अमरेंद्र सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, राजीव रंजन मिश्रा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र अवस्थी, गुड्डू सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बताते चले कि 84 वर्षीय पूर्व सांसद जनार्दन मिश्रा का निधन 1 अगस्त को हो गया था। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान, BA, MA, BCom,
MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।